यकीनन मैं आप लोगों के भी इश्यूज रेज करना चाहूंगा, आप लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि इफ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, फील फ्री, आप लोग आइए, मुझे बताइएगा कि आपकी दिक्कतें क्या है। देखिए, सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की यही दिक्कत होती है कि उनके अपने लिमिटेशंस होते हैं कि कितना लड़े, और हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं कि किस हद तक हम कैसा लड़ सकते हैं। और मुझे तो मतलब पर्सनली देखिए, मैंने तो कभी, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के, मैं पूरे आवदार्की के दौरान आया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपके इश्यूज को रेस किया था जब आप लोगों का एक आंदोलन चल रहा था मंत्रालय के सामने। तब उस वक्त कुछ लोग मेरे पास आए थे और मैंने वो मुद्दा भी उठाया कि साहब, ये महाराष्ट्र के अंदर पहली मरतबा है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ये इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि हमको कुछ काम दो, तब आपके पास कुछ काम नहीं, सैलरी भी नहीं हो रहा। तो मेरा यही है कि आप लोग के भी जो भी दिक्कतें रहेंगी आप लोग तो बताइएगा, एमपीएससी से आप लोग जो पास आउट हुए हुए उसका इस्तेमाल करिए कि बेहतर कैसा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि औरंगाबाद में, मेरी सोच ये थी कि मतलब औरंगाबाद में पानी की समस्या कभी होनी नहीं चाहिए थी। मैंने बहुत स्ट्रांगली मतलब इसका विरोध जब किया था तो उस वक्त मुख्यमंत्री साहब थे, समांतर कंपनी जब लाई जा रही थी, समांतर को अगर किसी ने शुरुआत से मतलब विदाउट कहीं घुमाए फिराए अगर किसी ने जमकर विरोध किया था तो मैंने किया था। मतलब मेरा स्टैंड 2014 से जो था वो आज भी वही था। ये काम जो है ये बेसिकली ये गवर्नमेंट महानगर पालिका के हो या आपकी जीवन प्राधिकरण के, ये काम जो है अगर हमने हर चीज प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिए तो उस वक्त जब मीटिंग हुई थी समांतर के बारे में और मुझे बताया जा रहा था कि औरंगाबाद को पानी ही नहीं मिलेगा, अच्छा मुझे उस वक्त मीटिंग के अंदर, भरी मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री साहब ने एक सवाल किया था कि देखिए दलील साहब, आपको इसका विरोध नहीं करना है और क्योंकि पानी औरंगाबाद को मिलेगा नहीं अगर आप इसका विरोध करते रहे। तो मैंने सबका सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा था, मंगला था साहब, ये जो कंपनी जो ला रही है ये अपना खुद का पानी तैयार करने वाली है क्या, कहीं प्रोड्यूस करने वाली है क्या तैयार? तो वो पूरे अधिकारी एक दूसरे को देखना शुरू हुए थे। तो मैंने सिर्फ आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ कि मतलब मुझे आप ये बता दीजिएगा कि ये पानी अपना खुद का प्रोड्यूस करने वाली है तब औरंगाबाद को मिलने वाला है या वही जयकवाड़ी से लेने वाले हैं? तो बोले नहीं, जयकवाड़ी से। यानी कि एक बात साफ थी कि आपका सोर्स जो है वो सोर्स वही रहने वाला है, सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो इम्प्रूव करने वाले हैं, आप सप्लाई सिस्टम को इम्प्रूव करने वाले हैं। और जो काम मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बड़ी आसानी के साथ कर सकती है मिलेंगी, आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिसके लोग बोल रहे हैं कि हमारे को आप पगार दो और हमारे से काम ले वो करके, जिसमें महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का हाथ में। तो खैर अब वो चले गई है। अब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि कल को ऐसा ना हो जाए कि लोग मेरे ऊपर टूट पड़े कि समांतर ये ना होती तुम्हें त्याला हाकल ले आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण दिया तुम्ही म्हणत होते आता बघा की काम क्या है। अब ये स्कीम आपके पास आई है, एक आप लोगों ने भी इसको एक चैलेंज खोल के एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोग भी बहुत सारे औरंगाबाद में ही रहने वाले लोग, ये आपको मालूम है कि मतलब ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि औरंगाबाद के हर घर के अंदर पानी देने का। दिक्कतें थी वो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन मैं समझता हूँ एयरपोर्ट के ऊपर हमारे पास ये दो फ्लाइट के अलावा इतने सारे फ्लाइट आ गए हैं, इतने सारे फ्लाइट और भी अभी हम लोग उसको पुश कर रहे हैं। तो टूरिज्म बढ़ने वाला है, अब इंडस्ट्री के लिए दिक्कत यही जा रही है, वो ये कहते हैं कि औरंगाबाद में पानी का मसला है, वो एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है। अब उसको दूर करना मतलब ये है कि हमारे को ये स्कीम को बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर सक्सेसफुल करने का है। और मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूंगा, मुझे आप लोग सब लोग ये समझ लीजिएगा कि मैं भी आपका एक हिस्सा होगा। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई हिकअप आ रहा है, कहीं इशू आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप फील फ्री एंड मतलब जिस जिस लेवल के ऊपर लेने का रहा है। मैंने तो आपको ये बताऊं कि अब पूरे जितने भी केंद्र सरकार के अंदर यूडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं उनको हर चीज मालूम है कि औरंगाबाद में क्या क्या दिक्कतें लेकर के, तो इश्यूज तो हमने लेके चले गए। अब अगर जो अच्छे प्रपोजल्स हम उनके पास लेके जाते हैं एंड वी गेट द स्कीम्स,
देखिए पैसा लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, पैसा लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, अनलेस एंड अंटिल कि हम लोग उसके ऊपर काम करके अच्छे प्रपोजल्स को हम लोग पुश करें। आप सिर्फ प्रपोजल बनाइए, फॉरवर्ड करिएगा, पैसा लाने की जिम्मेदारी मेरी, एग्जीक्यूट करने की महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में ही करना चाहिए, लेकिन मतलब वो काम भी उस लेवल का होना चाहिए कि भाई हाँ इसके लिए हमारे को काम देने के लिए मतलब एक खासदार ने लड़ा था कि नहीं ये काम एमजेपी को भी मिलना चाहिए, तो उसमें मेरा भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई चलिए मैंने बड़ी विश्वास के साथ आप लोगों को ये काम दिया था। तो उसमें कह दिए बाकी दिक्कतें जो है आप लोग एक्स्ट्रा स्टाफ ये वो का जो है वो मामले को भी आप बताइएगा उसके अंदर कि किस लेवल के ऊपर कहाँ अटका हुआ है, तो मैं उसको पूरी तरह से आपका जी एनजीपी तो एक काफ़ी पुराना हमारा बोर्ड है, 79 के पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही था जी। 79 में गवर्नमेंट ने किया कि वर्ल्ड बैंक का लोन बाकी लोन लेने के लिए उसको बोर्ड बना, उसके बाद में काफ़ी सारा काम हुआ। और एनजीपी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर सिर्फ बॉम्बे सबसे टेक्निकल बोर्ड बोल के बनाया जाता है, और उसमें अपने पास 99% सक्सेस है अर्बन स्कीम में, एनजीपी 99% सक्सेसफुल। आज भी 75 स्कीम चालू है, 86, 91 ऐसे पूरे सिटी के जो काम किया ना उसके बाद में क्या हुआ, बाद में ये 73-74 अमेंडमेंट आया वो तो अपने पास नहीं है पूरे इंडिया में मतलब। लेकिन इसमें क्या हो गया कि मैं गवर्नमेंट को नाम नहीं रखा, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो स्ट्रांग होना चाहिए था पानी क्या था वो स्ट्रांग की वजह अभी बहुत वीक हो गए, क्योंकि अभी और 6 GB की पोस्ट खाली है तो इतना तो तुम ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही होने वाला है। नासिक अपर तेलंग में कैपिटल इधर था और बाकी सबका मठवाड़ा, तो इसमें कभी जयकवाड़ी में अच्छा पानी रहा तो इधर पानी कम रहता था, इधर पानी रहा तो इधर पानी कम रहता, तो हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि सब मेजर डैम जो है मठवाड़ा के उसको लोग सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, सारे के सारे लोग सिस्टम से कनेक्ट, जो ग्रेट लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा लोग सिस्टम यहाँ से कहीं ज़्यादा है, ये बड़ी मेन टेंशन हो गया मेजर इसमें सब अगर देंगे तो ईसापुर सिद्धेश्वर और जायकवाड़ इधर सब पंपिंग कर सकते हैं, तीनों में से किसी से भी पंपिंग इस तरह से पानी ला सकते हैं इस तरह का, और बाकी जो ग्रीन लाइन है ये ब्लू लाइन है पर ये सब प्योर वाटर, और प्योर वाटर का डिजाइन ऐसा था कि तालुका प्लेस में 5-20 किलोमीटर के कोई भी विलेज है कोई भी है 20 किलोमीटर के अंदर में, इसमें सर एडिशनल मैंने क्या किया था कि सिटीज के लिए औरंगाबाद सिटी को ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कम से कम 33% ऑलरेडी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा रख दिया, फ्यूचर में अभी स्कीम एक बार सेंक्शन हुआ बाद में नहीं हो पाता किसी रीजन से, हम बिगेस्ट सिटी हैं जो कि एश्योर डैम से ऑलरेडी हैं उसको 33% प्रोविजन किया हुआ, बाकी सिटी को 100% किया हुआ, ये ऑलरेडी प्रपोजल ये पाया था और तो जीवन मिशन में भी सर इसमें क्या हुआ था कि ऑलरेडी डिसाइड हुआ था कैबिनेट मीटिंग में कि वाले जो इसके अलावा सर और एडिशनल में जो काम है आने वाला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नया स्टार्ट हुआ है जैसे जल जीवन मिशन, तो उसमें सर अभी क्वेश्चन ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर गाइडलाइन नहीं है, उन्होंने रेट्रोसिटी के लिए ही काम किया था, रेट्रोसिटी का समझ मतलब क्या है कि उसमें 40 LPC अगर हम अभी तक डिजाइन कर रहे थे जो रहते हैं अभी जे जे उन्होंने 55 LPC किया हुआ, तो फर्स्ट स्टेज उन्होंने बोला कि 40 से 55 जाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो काम आधे पॉइंट पर उन्होंने हिस्सा रखा है 2005-2021 उसके बाद में यूनिवर्सिटी कर यूनिवर्सिटी में सर एक्चुअली ऑलरेडी पैरेलल चल रहा था मठवाड़ा के होता है कि क्या होता है मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि उसमें अभी समय में आ जाएगा, पैरेलल में उन्होंने
चालू है, अगर ये काम हो गया सीनापुर का तो फिर हमको इधर काम करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ से पानी ले सकते हैं। सर देखिए एक रिव्यू मीटिंग महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कि आज के दिन हमने लिए है, मकसद यही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर एक जो नई पानी की स्कीम आ रही है, तकरीबन 1680 करोड़ रुपए की स्कीम है, इसका स्टेटस क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ तक ये आगे डेवलप हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, ये सब रिव्यू करने के साथ साथ ज़िले के अंदर और कौन कौन सी स्कीम्स है, नई स्कीम जो आने वाली है प्रधानमंत्री ने जिसकी घोषणा की है उसका स्टेटस क्या है, ये पूरा जानकारी लेकर जहां जहां पर भी जो जो भी दिक्कतें हैं उसको इमीडिएट एड्रेस करके आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ इनकी अपनी क्या दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के बहुत सारे पोस्ट खाली पड़े हुए हैं जबकि ये एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, और मैं समझता हूँ कि पानी के जितने भी स्कीम्स महाराष्ट्र के अंदर है वो किसी नगर परिषद नगर पालिका या महानगर पालिका ना करते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को अगर स्ट्रेंथन किया जाए, इनके पास अच्छा स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दिया जाए तो ये स्पेशलाइज्ड लोग है तो इनके जरिए जो काम हो सकता है, तो कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, जो स्टेट गवर्नमेंट को पर फॉलो करना है वो हम स्टेट गवर्नमेंट से फॉलो करेंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लेना है, एक अच्छी बात ये है कि मैं अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के अंदर मैं हूँ, उसी कमेटी का एक हिस्सा हूँ, तो हम इनकी दिक्कतें और इस डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या नई स्कीम्स लाई जा सकती है, तो जब तक चर्चा नहीं होती है तो ये मुश्किल होता है, तो आज चर्चा की है, एक सकारात्मक चर्चा हुई है, एंड आई होप कि मतलब इस मीटिंग के बाद इनका भी काम आगे बढ़ेगा।